मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड, ये तीन मेथड होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर आपके पास कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर वेयर एंड टेयर है, रस्ट एंड डस्ट है, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर है और फिर टेक्नोलॉजी है। चार फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन लगती है। रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन को आपसे पूछे, आप बोलेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं दो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। मैंने आपको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताया, तो प्रूडेंस मैंने आपसे कहा था, प्रूडेंस कहता है एसेट शुड नेवर बी ओवरएस्टेटेड, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इफ दे कैन बी एस्टिमेटेड। अगर आपके एक्सपेंसेस एस्टिमेट किए जा सकते हो तो आप उन्हें बिल्कुल रिकॉर्ड करें। फिर सेफरी इसके अंदर लास्ट चीज, जो तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बात की गई थी, वो थी लाइबिलिटी शुड नेवर बी अंडरस्टेटेड। फिर एक बात की गई थी, इनकम शुड ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। इनकम को उस वक्त रिकॉर्ड करें जब वो रियलाइज हो जाए। मैचिंग प्रिंसिपल की बात की जाएगी, तो मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपसे ये कहा कि मैचिंग प्रिंसिपल हमेशा हमेशा मैचिंग प्रिंसिपल हमेशा ये कहता है कि जिस साल का जो एक्सपेंस है उसी साल के रेवेन्यू के साथ उसको मैच करें, अदरवाइज उसको ना रिकॉर्ड करें, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट को या ओवरस्टेट या अंडरस्टेट कर जाएगा। फिर सर इसी तरह मैंने आपसे कहा था, डेप्रिसिएशन की बात करें तो प्रूडेंस में आपके पास मैचिंग प्रिंसिपल है, एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड, ये बात भी हमने इसके अंदर लिखी। फिर हमने एक बात ये लिखी कि सर आपके पास जितने भी आपने ये सामने अभी पढ़े हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बात है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ये भी पढ़नी है कि सर आपके पास जहां भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होगा, डेप्रिसिएशन को आप एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, ये आपका एक्सपेंस है। फिर मैंने लिखा डेप्रिसिएशन को किससे कनेक्ट करते हैं, सर डेप्रिसिएशन को कनेक्ट करते हैं सर आप हमेशा प्रूडेंस के दो हिस्सों से। प्रूडेंस का पहला हिस्सा सर आपको ये कहता है एसेट्स या एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड। दूसरा एरिया ये कहता है सर एसेट्स के साथ साथ एक्सपेंसेस व्हेन दे आर एस्टिमेटेड शुड बी रिकॉर्डेड। सर ये वाली दोनों बातें अगर आपको याद रहे तो आप बड़े आराम से फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इस टॉपिक में काफी सारा काम जो है वो करना होगा। 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा अपने पेन को करेक्ट कर लूं, इसके निब को। ठीक है जी, अब आज का काम आपका। सैफ आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है, सबसे पहले आइए मैं आपसे पहले तो स्टार्ट लूं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन से, और मैं यहां से आपको कुछ क्वेश्चंस कराने शुरू कराऊं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आके, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डाल दीजिए और मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर मैं आपको सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे काम करवाऊंगा। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन उसके अंदर सबसे पहले आपके पास आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने यहाँ एक हेडिंग डाली, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया सर आपके पास सबसे पहले तो। स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे काम कैसे करते हैं हम, सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ये होता है, वो तो मतलब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला जो है स्ट्रेट लाइन मेथड का वो लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला सर आपके पास आएगा डेप्रिसिएशन पर ईयर इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। लिखते जाइएगा साथ साथ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे लाइफ से। व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू, एस वी के आगे ऊपर जाके कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने स्क्रैप वैल्यू लिखी है। इसको बोलते हैं सर स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को एक और वैल्यू भी बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू या आरवी। आरवी इज रेजिडुअल वैल्यू। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ के लिखा सर मैंने इसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू।
एक ही बात है। लिख लें, इसके साथ याद रखिए डेप्रिसिएशन पर ईयर का एक और भी फॉर्मूला होता है, वो भी आपको लिखना है। लिख लीजिएगा डेप्रिसिएशन पर ईयर इक्वल्स टू कॉस्ट इनटू रेट, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। सर रेट है रेट। जी जी एक मिनट, ये कुछ स्क्रीन हैंग हुई है, भी आ जाएगी। कॉस्ट इनटू रेट, अब देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, यहां से स्टार्ट लीजिएगा। मैं स्क्रीन पे आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, और क्वेश्चन 1 जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता कॉपी करें साथ में। मैं आपको डेप्रिसिएशन एक लेंथी टॉपिक है, आपको थोड़ा थोड़ा करके ही समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इतना आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ ताकि इसको आप आहिस्ता आहिस्ता ही समझें। यार कुछ पेन प्रॉब्लम कर रहा है जी। लिखिए मशीन वॉज परचेज एट January 1, 2010। मशीन वॉज परचेज एट January 1, 2010 एट कॉस्ट $8,000 with an scrap value, with an scrap value of $2,000. A machine was purchased at January 1, 2010 at cost $8,000 with scrap value of $2,000. An estimated life life of 3 years, an estimated life of 3 years, 3 सालों के लिए इसकी लाइफ है। रिक्वायर्ड पार्ट है इसका, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 2010, 2011 एंड 2012। इन 3 सालों के लिए आपको इसका डेप्रिसिएशन चाहिए। इन 3 सालों के डेप्रिसिएशन निकालना है तो इसका मतलब है सर आपने सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन पर ईयर का फॉर्मूला लगाना है। मैंने यहाँ के लिखा सर डेप्रिसिएशन
पर ईयर इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को एडजस्ट कर लीजिए। अब अगर ये फॉर्मूला आपने एडजस्ट कर लिया है तो इसका मतलब है आपको ये सारी वैल्यूज इसके अंदर प्लेस करनी है। 8000 इसकी कॉस्ट है, या मैं नेक्स्ट वाली लाइन में आके लिखूं, डेप्रिसिएशन पर ईयर इक्वल्स टू कॉस्ट है आपकी 8000, माइनस किया सर इसके अंदर से इसकी स्क्रैप वैल्यू 2000, डिवाइड कर दिया सर आपने इसको इसकी नंबर ऑफ लाइफ से विच इज 3 ईयर्स। अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि सर इसको अगर आपने इस तरह रखा तो डेप्रिसिएशन पर ईयर इक्वल्स टू इसका आंसर आ गया आपके पास 6000, डिवाइड किया सर आपने इसको 3000 से आंसर आएगा सर आपके पास का डेप्रिसिएशन पर ईयर इक्वल्स टू 2000। अब अगर ये आंसर आपने कैलकुलेट किया है जो कि यहाँ आपके पास गिवन है सामने, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसको बॉक्स में रख दूं तो गलत नहीं है, ये मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया ठीक है, लेकिन इस कैलकुलेशन के बाद भी मुझे ये लिख के दिखाना होगा एग्जामिनर को कि यहाँ लिखना पड़ेगा मुझको आके कि डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ लिखेंगे आके डेप्रिसिएशन फॉर 2010 इक्वल्स टू 2000, तो लिख के दिखाना पड़ेगा मुझे डेप्रिसिएशन फॉर 2011 इक्वल्स टू 2000, और फिर मुझे लिख के ये दिखाना पड़ेगा कि सर आपके पास डेप्रिसिएशन फॉर 2012 इक्वल्स टू 2000, यानी सर हर साल की डेप्रिसिएशन को अगर आप देख रहे हैं, मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसका मतलब नजर आ रहा है डेप्रिसिएशन ईच ईयर इज कॉन्स्टेंट। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड कहता ही ये है कि डेप्रिसिएशन ईच ईयर इज कॉन्स्टेंट, हर साल कॉन्स्टेंट ही रहेगी। कॉपी कर लीजिए इसको। सैफ आवाज आ रही है? जी सर, कर लिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर टू लिखिएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर टू सर ये कह रहा है ए बी सी कंपनी बॉट ए कंप्यूटर ऑफ $60,000 विच हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years। With scrap value equals to zero। सर एक लैपटॉप खरीदा है एबीसी कंपनी ने, किसी भी साल में खरीदा है, उसका जो
किसी भी साल का खरीदा हुआ एस्टिमेटेड वैल्यू है वो जो है वो टोटल है 60,000, लाइफ है सर उसकी 5 साल, और स्क्रैप वैल्यू जो है वो उसकी 0 है। अगर ऐसा है तो सर इसका मतलब हुआ, मैं बड़े आसान से लफ्ज में आपको ये बात बोलूं, अगर आपको इसी का स्ट्रेट लाइन मेथड सॉल्व करना है तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए सर आपके पास सबसे पहली चीज तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोबारा से फॉर्मूला लिखना है आपको हर क्वेश्चन में ताकि आप याद कर सकें। डेप्रिसिएशन पर ईयर इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, इसका फॉर्मूला है। अब कॉस्ट में आपके पास कॉस्ट आपके पास आ गई 60,000, स्क्रैप वैल्यू सर आपके पास आ गई इसकी 0, और लाइफ है सर आपके पास, इसको मैंने डिवाइड किया यहाँ से, लाइफ है सर आपके पास इसकी 5 years, कॉपी कर लीजिएगा उसके बाद फिर पढ़िएगा। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर इक्वल टू सर इसका आंसर आ गया मेरे पास 12,500, ये आंसर आ गया सर आपका। अब आपको इसके बाद ये बताना है कि डेप्रिसिएशन 5 सालों तक क्या रहेगी, तो आप बोलेंगे डेप्रिसिएशन फॉर कोई भी ईयर वन हो, एक्स वाई जेड कोई भी ईयर वन हो, इक्वल्स टू पहले का आंसर आ गया सर इसका इतना 12,500, ईयर टू का भी सैफी आंसर इसका कितना आ गया, ईयर टू का आंसर लिख लेंगे, बिल्कुल सर सेम आंसर, ईयर थ्री में भी सर इसका आंसर सेम आएगा, ईयर फोर में भी आंसर इसका सेम आएगा, ईयर फाइव में भी आंसर सर इसका दोबारा से सेम आएगा। सर ये हो गया आपके पास डेप्रिसिएशन 5 सालों तक का। और अगर बात की जाए कि सर हर साल इसका डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज कर रहे हो 2 साल बाद टोटल कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 25,000, 3 साल बाद आप बोलेंगे तो टोटल हो गया, कुछ गलत है सर इसके अंदर, सैफी गलत है, 12,000 होगा हर साल का डेप्रिसिएशन, 5 से डिवाइड करके देखना 60 को कैलकुलेटर में, 60 डिवाइडेड बाय 5 12,000 होगा आंसर। यानी सर हमने ये देखा आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट बात जो चल रही है वो बात हमने सर यहाँ, कोई कॉपी तो नहीं कर रहा सर, कॉपी कर लिया जी सर, आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट बात चल रही है उस बात को अगर हम सामने रखें, बात को समझें, जो हमें समझना है वो ये कि जनाबे अली आपके पास क्वेश्चन में गिवन तो है और क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा, डिग्री ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स एक्सेप्ट लैंड और वे कॉन्स्टेंट रेट, ये बात जरूर लिख लीजिएगा इसके साथ साथ। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब हुआ था डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट एक्सेप्ट लैंड विद कॉन्स्टेंट अमाउंट और कॉन्स्टेंट रेट। लिख लें
ग्राफ लिख लिया? जी सर। ठीक है, अब एक और डाटा देखिए सामने, ये भी एक एग्जांपल ही है इसकी, क्योंकि अभी तक आपने एक फॉर्मूला सॉल्व किया, दूसरा फॉर्मूला नहीं किया। अब एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ वो आगे उसके लिखिएगा, वो एग्जांपल मैं रेट के लिहाज से दे रहा हूँ। रेट का मतलब सर जो इसका डेप्रिसिएशन पर ईयर का जो फॉर्मूला है, वो एक और भी है, दो फॉर्मूले होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के। वो एक होता है सर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, जो इसका रेट होता है। तो अब एग्जांपल टू जो आ रही है वो इसके लिए आ रही है। मैंने यहाँ क्या लिखा, ए कंप्यूटर वॉज बॉट एट January 1st 2020 with cost of $15,000 with cost of $15,000 and it is estimated to be depreciated by 10% each year, and it is depreciated by 10% each year with scrap value 0। इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, लिखा है मैंने कंप्यूटर वाज परचेज, एक वर्ड में यहाँ पे खा गया हूँ, मैं लिख रहा हूँ अ कंप्यूटर वाज परचेज एट January 1st 2002 विद द कॉस्ट ऑफ 1500 एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% ईच ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू 0। अब सर अगर ये वैल्यूज आपके सामने लिखी हैं तो इसका मतलब है कि सर अब मैं यहाँ से स्टार्ट लूंगा इसके अंदर, और मैं सबसे पहले बात ये कहूँगा कि सर मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए, तो मैंने डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालना है। डेप्रिसिएशन पर ईयर इक्वल्स टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। अब देखिए क्वेश्चन में रेट गिवन है, ठीक है ना, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। जब रेट गिवन हो तो आपने रेट से सॉल्व करना है इसको, फिर वो डिवाइडेड बाय लाइफ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई लाइफ इसकी गिवन नहीं है। स्क्रैप वैल्यू इसकी 0 है सर, मैंने यहाँ लिखा कि डेप्रिसिएशन फॉर 2020 इक्वल्स टू कॉस्ट सर इसकी 15,000, मल्टीप्लाई किया सर मैंने इसको 10% से, इक्वल्स टू सर इसका पहले वाले का आंसर आ गया सर मेरे पास 1500। अब बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब दूसरे साल को लिखें 2021 इक्वल्स टू, इसका आंसर आपके पास आ गया 1500। 2022 का आंसर आ गया सर आपके पास दोबारा से 1500। सर ये तीन सालों का आंसर आपको इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आइडिया हो जाए आपको कि हर साल का भी सेम आना है। सर यहाँ लिखा मैंने आके सर 1500, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन ईच ईयर विल रिमेन 1500। ठीक है जी, सैफी बात समझ में आई? जी सर। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, आखिरी बात, उसके बाद क्लास ओवर है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास अपनी लो, कि डेप्रिसिएशन ईच ईयर अगर कॉन्स्टेंट है। सैफी कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही है सर। सर अगर हर साल बिल्कुल सेम चलेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो सर आप ये समझेंगे कि ये हर साल की तरह डेप्रिसिएशन ईच ईयर जो है वो हर साल आपका जाएगा कांस्टेंट। ठीक है जी, डन है, बस यहाँ तक काम कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। सैफ कॉपी कर लिया? जी सर, कॉपी कर लिया।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।